ऑल द लर्नर्स ऑफ मैथमेटिक मैथ्स अड्डा, जो आज का वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो रेजिस्टिंग मीडियम का थर्ड वीडियो है। दो वीडियोस हमने किए थे जिसमें हमने डाउनवर्ड मोशन के बारे में अभी डिटेल में पढ़ा था। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है अपवर्ड मोशन पे। अपवर्ड मोशन पे पहले हम मोशन का डिस्कशन करेंगे। देखते हैं पहले स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है इसमें। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स अंडर ग्रेविटी। एक पार्टिकल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और आपको दिया हुआ है कि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, यानी कि इसमें एक ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। और इन अ रेजिस्टिंग मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी, यानी कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर जो था वो किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। ये सेम डेरिवेशन सबसे पहले लेक्चर में हमने किया था, लेकिन जो मोशन हमने वहाँ लिया था वो डाउनवर्ड मोशन था। अभी जो मोशन हम लेने जा रहे हैं वो है अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन के केस में पहले डायग्राम हम बनाते हैं। सपोज ये ओ पॉइंट है, मोशन ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। हमने पॉइंट ले लिया पी, और इस पी पॉइंट की जो डिस्टेंस हमने ले ली है वो है एक्स। अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। आपको याद होगा जो डाउनवर्ड मोशन हमने लिया था, उस डाउनवर्ड मोशन में एक तो एम जी फोर्स था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, और एक था कौन सा, जो रेजिस्टिंग मीडियम में जो रेजिस्टेंस है वो इस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि के वी स्क्वायर। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो मोशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है और जो फोर्सेस लग रहे हैं वो नीचे को लग रहे हैं। तो इस केस में जो एम जी होगा वो भी नेगेटिव होगा और तो ये एम अगर हम हटा लें इसमें से तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी, वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ के वी स्क्वायर आ जाएगा, इसमें से माइनस का जी कॉमन ले लेते हैं जैसे हमने वहां भी कॉमन लिया था, और ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। हम अब रिलेशन फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स। एक्स और वी के बीच में रिलेशन हम फाइंड करते हैं। एक्स और वी के बीच में रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इस डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वी डी वी अपॉन डी एक्स। मैंने आपको बताया था इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं, माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा वी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। अब इसका पूरा डिफरेंशिएशन यहाँ आ रहा है, वी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा, इस वी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2v dv। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस 2g अपॉन वी स्क्वायर एक्स प्लस ए, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो हम ये मान लेते हैं कि व्हेन एक्स इज 0 वी इज यू। जो हमने सबसे पहला डेरिवेशन किया था वहाँ पे जो पार्टिकल था वो इनिशियली रेस्ट पे था, यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है, तो इनिशियली हम इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, यू। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो एक्स की जगह पे 0 रखना है, लॉग वी स्क्वायर, और स्मॉल वी की जगह क्या रखना है, यू स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा, ये कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। इस कैपिटल ए की वैल्यू को फिर से यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर माइनस 2g अपॉन एक्स, 2g अपॉन वी स्क्वायर एक्स, और ए की जगह पे आ जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको राइट साइड में लेके जाते हैं, तो हो जाएगा 2g अपॉन वी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा लॉग वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस लॉग वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर।
तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन टू जी लॉग लॉग ए माइनस लॉग बी वाली प्रॉपर्टी से वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो आप ये देखिए, हमने ये जो रिलेशन फाइंड कर लिया है, ये रिलेशन किसके बीच में है, एक्स और वी के बीच में। एक्स कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पे अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो रिलेशन फाइंड किया वो है वी और एक्स के बीच में। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं वी और टी के बीच में। आपको याद होगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी, और माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। डी टी को इधर ले लेते हैं तो ये हो गया वी स्क्वायर अपॉन जी डी वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, डी टी। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करके आपको फिर से क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी किसकी, वी और टी के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी, यह आएगा वन अपॉन ए, यानी कि वन अपॉन वी टैन इनवर्स वी अपॉन वी, और राइट साइड में जाएगा टी प्लस एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट वी, तो एक वी कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी अपॉन जी टैन इनवर्स वी अपॉन वी, ये टी प्लस बी आ गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी फिर से। तो व्हेन टी इज जीरो, इनिशियली उसकी वेलोसिटी हमने क्या ली है, यू, यहाँ रख लेते हैं। तो बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस वी अपॉन जी टैन इनवर्स वी की जगह पे आ जाएगा यू अपॉन वी, ये वैल्यू हम यहाँ रख लेते हैं। तो यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वी अपॉन जी टैन इनवर्स वी अपॉन वी, राइट साइड में टी, और बी की जगह पे आ जाएगा वी अपॉन जी टैन इनवर्स यू अपॉन वी। अब आपको क्या करना है, इसको राइट साइड में ले जाना है या लेफ्ट साइड में ले जाना है, साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद जो रिलेशन है वो रिलेशन हमको इसमें मिल जाएगा बड़ी इजीली। इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, v अपॉन g कॉमन tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स v अपॉन v, v अपॉन g कॉमन ले लिया हमने, इज इक्वल टू कितना आ गया t। तो ये रिलेशन किसके बीच में हो गया, t और v के बीच में, यानी कि t हो गया टाइम और v हो गया वेलोसिटी। इसी तरीके से आप जो रिलेशन है, हमने v और x में रिलेशन फाइंड किया, हमने v और t में रिलेशन फाइंड किया, अब हम x और t में भी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको ये दोनों रिलेशन का यूज़ करना है और दोनों रिलेशन में से आपको v को एलिमिनेट कर देना है, मैंने पहले सबसे पहले लेक्चर में भी बताया था। तो x और t के बीच में भी आप रिलेशन बड़े ईजिली फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों रिलेशन का यूज़ करके ही बड़ी ईजिली v को एलिमिनेट करके आप x और t के बीच में रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये डेरिवेशन हो गया अपवर्ड मोशन के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो अपवर्ड मोशन का हमने डेरिवेशन किया था उसमें जो रेजिस्टेंस था वो प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो हमने अलग अलग वेरिएबल के बीच में रिलेशन फाइंड किया। जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ इसमें सिर्फ कंडीशन क्या चेंज की है, बाकी सारी कंडीशन सेम है। यहाँ पर सिर्फ ये दिया हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्या बनेगी, माइनस एम जी और माइनस एम के वी आ जाएगा यहाँ पे, जो हमने वहाँ पे वी स्क्वायर लिया हुआ था, तो उस वी स्क्वायर की जगह पे स्मॉल वी आ जाएगा। बाकी पूरा सॉल्यूशन आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने आपको अभी एक प्रूफ कराया है। तो आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करें।